बॉलीवुड में कई फिल्म्स बनी है, शौकीन्स भी बनी है, कमीने भी बनी है, लेकिन जब शौकीन्स कमीने एक साथ आती है तो क्या एंजॉय होता है और क्या धमाल होता है। हमारे साथ बताने के लिए फिल्म की हीरोइंस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये जब कमीने आते हैं वो भी शौकीन कमीने आते हैं तो क्या होता है, धमाल होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या होता है? धमाल भी होता है और लोगों को एक सीख भी मिलती है। जब दोनों जन साथ में आएंगे तो पता चलेगा कि ये मतलब लाइक नाम बहुत अलग है और दिखाना क्या चाहता है। चलिए आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म के अंदर जो कमीने हैं वो कितने शौकीन हैं? फिल्म के अंदर जो कमीने एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन शौकीन होना अच्छी बात है, लेकिन वो वुमेंस को एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से नहीं देखते हैं, सो इसीलिए वो कमीने, सो दिस इज़ शौकीन कमीने। आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिमला से हैं, कहाँ से? आप शिमला से। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म में जो कमीने हैं आप कितना मानते हैं कि लड़कियों में शौकीन्स में कितने परसेंट कमीने इंसान होते हैं? मैं तो यही मानती हूँ कि आजकल का नज़रिया सिर्फ एक ही है, जब भी वो लोगों से मतलब जब गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ वो वर्जिन है या नहीं, लेकिन वो जब उनसे शादी करना चाहते हैं तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, हमें शादी करनी है एक वर्जिन लड़के से। तो हमने यही दिखाया है कि किस तरीके से वो लोगों को डोमिनेट करते हैं। अब से लड़कों के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उनको तो वर्जिन लड़की चाहिए क्योंकि फिल्म में दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी खासियत लड़की के अंदर होती है जो लड़कों को चाहिए इसके अलावा? जिस तरीके से मेरे सर ने थोड़ी देर पहले कहा, मेरे डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, जब आप खुद राम नहीं हो तो सीता की अपेक्षा क्यों करते हो, तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप राम बनिए, फिर आप सोचिए कि हाँ मेरी वाइफ सीता हो। आपको लगता है कि इस तरीके के जो बोल्ड कैरेक्टर्स है इसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर पाएगी? श्योर, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये एक रियलिटी है हमारे समाज की, तो डेफिनेटली एक एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात नहीं है, आपको जब एक रियलिटी दिखाई जा रही है तो एक चीज़ें कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाती है, हमारी सोसाइटी में चीज़ें कन्विंस हो जाती है, सो इट्स एक्सेप्टेबल। आपको लगता है कि फैमिली जब बैठ के देखेगी, क्योंकि हर लड़की जब भी एक डेब्यू करती है तो लगता है कि सब मिल के उनकी मूवी देखे, और इसको शायद मूवी एक साथ बैठ के ना देख पाए फैमिली, तो इसका मलाल रहेगा कहीं ना कहीं? मैं ये कहूँगी कि आप एक साथ देखें या ना देखें, बट ये चाहूँगी कि आप ये चीज़ें देखें और लोगों तक, तो मैं हम पहुँचाना चाहते हैं कि आप समाज में अगर रहते हो, चाहे वो लड़का है या लड़की हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना हक लड़कों का है उतना ही हक लड़कियों का भी है, तो हम ये दिखाना चाहते हैं। चलिए, आप क्या जवाब देंगे जब लड़के वर्जिन लड़की मांग रहे, तो आप लड़कियों का क्या जवाब होगा इसके बदले, आपसे जानना चाहेंगे? जवाब मेरा यही है कि अगर आप खुद राम नहीं हो तो आप सीता की अपेक्षा क्यों करते हो, दिस इज अ सिंपल जी। तो ये थे हमारे साथ शौकीन कबीरे की स्टारका, जिन्होंने बताया कि फिल्म में बहुत कुछ है, ट्रांसपेरेंसी से दिखाया गया। उम्मीद करते हैं कि फिल्म आपको पसंद आएगी। दुष्यंत राणा के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।